Hello dear students, welcome to our GK class. I am Karishma Patel from Swamik Vidyalaya. Today we are going to study new topic in GK, chapter number 15. Chapter name is Did You Know? So dear students, did you know our natural world is full of amazing facts? Our world is full of amazing facts. हमारा world है जो amazing facts से भरा है. You will be surprised to learn about them. आप उन सब के बारे में जान के सरप्राइज हो जाओगे. सर्कल द करेक्ट आंसर इन ईच सेंटेंस टू नो द फैक्ट. यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उन पर हमें जो राइट आंसर हो उस पर सर्कल करना है. सो फर्स्ट इज द जिंजर वी ईट इज द रूट और स्टेम ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पर जिंजर मीन्स अदरक. द जिंजर वी ईट इज द रूट और स्टेम. सो आंसर इज स्टेम ऑफ द प्लांट. सो लुक हियर, this is a ginger plant and here this is a root of the plant and this is stem of the plant and these are leaf of the plant. Okay, so the ginger wheat is the stem of the plant. So we used ginger in our vegetable and ginger is also used as a medicines. जो ginger है वह हमें medicines के रूप में भी use आता है. ओके, सो आंसर इज स्टेम. डू द सर्कल हियर, स्टेम. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच और डव इज द सिंबल ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिच एंड डव आर द बर्ड्स. ओके, सो हियर द सिंबल ऑफ पीस. यहाँ पे पीस मीन्स शांति का सिंबल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एंड डव. सो आंसर इज डव. डू द सर्कल हियर, डव. ओके, सो डव यूजुअली white in color are used in many settings as symbols of love and peace or messengers. ये जो डव होते हैं वो लव के भी सिंबल्स होते हैं, पीस के भी और मैसेंजर्स के रूप में भी इसे माना जाता है. ओके, सो आंसर इज डव. नेक्स्ट, द टॉर्टिस और स्नेक इट रोज इन टू इट सेल वेन इट सेंस डेंजर. So, look here, tortoise, answer is tortoise. Do the circle here, tortoise. So, look here, जो tortoise होते हैं, जब danger sense होने पर जो tortoise होते हैं, वह अपने आप को अंदर की तरफ ले जाते हैं. Okay, so, when in danger, a tortoise withdraws its head and limbs, means his body, into the cell. And most tortoise we are herbivores and have no teeth. Okay, जब danger sense होता है वह तब जो tortoise होते हैं वह अपने head and body को अंदर की तरफ ले जाते हैं. Okay, and they have no teeth. Okay, and most tortoise are herbivores, means vegetables, शाकाहारी होते हैं. Okay, so answer is tortoise. Do the circle here. Next, Austria or Australia is known as the land of kangaroo. So answer is Australia. Is the known as the land of kangaroo. Australia ko kangaroos ki land means bhumi mana jata hai. Okay. So the kangaroo is the symbol of Australia. Okay. Australia ka symbols hai. And kangaroo are unique to Australia and they take pride in calling the country the land of kangaroo. Okay, so answer is Australia. Do the circle here. Next, the green fertile patch of land in a desert is called an orchard or oasis. So answer is oasis. Okay, so look here the green fertile patch. So green fertile patch ko kya bola jata hai? Oasis. ओके, सो आंसर इज ओएसिस. ओएसिस फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड दैट ऑकर्ड इन अ डिजर्ट वेर एवर अ परमानेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल. यहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है. और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? ग्रीन फर्टाइल पैच को, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? ओएसिस. ओके, सो आंसर इज ओएसिस. डू द सर्कल हियर. नेक्स्ट, द रिवर गंगा और यमुना originates from Gangotri. So, कौन सी रिवर का originates Gangotri है? गंगा एंड यमुना. So, answer is गंगा.
लुखियत गंगा रिवर एंड गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री. सो गंगा रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालय माउंटेन एट गौमुख द टर्मिनेट्स ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर्स. जो गंगा रिवर है वो हिमालय माउंटेन पे उसका जो ओरिजिनेट्स है वह गौमुख से निकलता है. ओके सो उसका ओरिजिनेट्स गंगोत्री है. ओके नेक्स्ट कैक्टस और मशरूम्स आर थॉर्नी प्लांट्स डेट ग्रो इन वेरी ड्राई प्लेसेस. सो कैक्टस और मशरूम्स आर थॉर्नी प्लांट्स. सो हियर थॉर्नी प्लांट्स कौन से है कैक्टस एंड मशरूम्स. सो मशरूम्स के थॉर्नी प्लांट्स नहीं होते मीन्स थॉर्नी प्लांट्स मीन्स कांटे वाले. मशरूम्स कांटे वाले प्लांट्स नहीं होते. सो आंसर इज कैक्टस. ओके कैक्टस आर थॉर्नी प्लांट्स डेट ग्रो इन वेरी ड्राई प्लेसेस. सो लुक हियर दिस इज कैक्टस प्लांट्स एंड दिस इज थॉर्नी प्लांट्स कांटे वाले प्लांट्स होते हैं. ओके कैक्टस इज अ काइंड ऑफ प्लांट अडोप्टेड टू हॉट ड्राई क्लाइमेट्स. ये जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में ही उगते हैं ये प्लांट्स. ओके सो नेक्स्ट द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स एंड फॉसिल्स. ओके सो द रिमेन्स मीन्स अवशेष ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. आंसर इज फॉसिल्स. जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं मीन्स रिमेन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं फॉसिल्स. ओके सो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फंगी बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल्स लिविंग थिंग्स डेट हैव बीन ड्रॉप. उनके जो अवशेष होते हैं उनमें से अवशेष को क्या बोलते हैं फॉसिल्स. ओके नेक्स्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर हिज ओन नीड्स. जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उसको जो लोग होते हैं वह उसकी जरूरत के हिसाब से ही उसको यूज़ करते हैं. ओके नेक्स्ट द जायंट सिकोया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ट्री है कौन सा है जायंट सिकोया. द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड मैमल्स. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट लैंड मैमल्स मैमल्स मीन्स स्तनधारी एनिमल्स कौन सा है अफ्रीकन एलिफेंट्स. Okay, dear students, that's all for today, and we will learn in next video.